डॉक्टर बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम आज जो टॉपिक लेकर खड़े हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर महिलाओं को किस किस आर्टिकल में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इस वीडियो का पहला पार्ट 2 या 3 दिन पहले आया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट के अंदर, और पार्ट 4 यानी DPSP राज्य के नीति निदेशक तक जिनको बोलते हैं, उनके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद में महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे। आगे देखते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक, देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब इस टर्म का मतलब समझ लें कि सीट रिजर्व कर दी जाती है, कुछ मात्रा में सीट फिक्स कर दी जाती है कि इन सीटों पर अब सिर्फ महिलाएं ही फाइट करेंगी। ठीक, फीमेल्स ही फाइट करेंगी। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स रिजर्विंग 1/3 सीट फॉर वुमेन इन इलेक्शन, यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 1/3 सीट इलेक्शन में महिलाओं के लिए निर्धारित कर दी गई। ठीक, कि अब 1/3 सीट पे सिर्फ महिलाएं फाइट करेंगी, इसके पहले महिलाओं की सीट रिजर्व नहीं थी। देखिए, रिजर्वेशन अपने आप में एक क्रुशियल मुद्दा है, क्रुशियल टॉपिक है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन सीधा सा मतलब यही है कि अगर जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, समाज की मुख्य धारा से पीछे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे महिलाएं हों, जितने भी लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना ही पड़ेगा। ठीक, नहीं तो आप उनको मुख्य धारा में कैसे लेके आएंगे? जब तक आप कुछ उन्हें एक्स्ट्रा नहीं देंगे तब तक आप उन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन वही एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए चाहे SC ST को दिया जाता है, चाहे OBC को दिया जाता है, चाहे महिलाओं को दिया जाता है। और इसके लिए हमेशा लगभग बवाल हुआ करता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है कि उस तरीके से ना हो रहा हो, पर रिजर्वेशन देना चाहिए। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243D जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, पंचायत इलेक्शन में महिलाओं की सीट रिजर्व है आर्टिकल 243D के तहत। ठीक, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर निगम में सीट रिजर्व है महिलाओं की, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन म्यूनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 325 नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी फिर से वही है कि कोई पर्सन इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, कौन से आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। अभी जो सेक्स वाला पार्ट आया, ये किससे रिलेटेड हो गया? महिलाओं से रिलेटेड हो गया, कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। वहां गारंटी दी है आर्टिकल 325 में, गारंटी दी हुई है कि महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं। ये इस पे रिलीजन यानी धर्म के आधार पे, रेस यानी नस्ल के आधार पे, कास्ट यानी जाति के आधार पे और सेक्स यानी लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये 3 आर्टिकल थे जिसमें ये सुरक्षा दी गई है कि महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। कुछ सीटें फिक्स हैं जिनमें वो महिलाएं फाइट करेंगी, जिनमें पुरुषों का फाइट नहीं होगा। ये भी कुछ संरक्षण है संविधान में। देखिए, इसके अलावा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जितने हमने पिछले वीडियो और आज के वीडियो में मिला के जितने प्रोविजन देखे है कि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो स्पेशली महिलाओं को ही संरक्षण प्रदान करते हैं, महिलाओं को, चाहे वो डायरेक्टली लिखा हुआ हो कि रिजर्वेशन के माध्यम से या आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की स्पेशली वुमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट लॉ बना सकेगा, या इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा। तो मतलब वही निकलता है कि या तो आप सेक्स के आधार पे भेदभाव ना करें, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इवन जो ट्रांसजेंडर हैं, जो तृतीय लिंग जिनको बोलते हैं, उनके साथ भी इक्वली ट्रीटमेंट होगा। तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम लोगों ने DPSP में देखा था कि अगर चाहे महिलाएं काम कर रहे हों चाहे पुरुष, सॉरी, महिलाएं काम कर रही हों या पुरुष काम कर रहे हों, अगर समान कार्य करते हैं
तो समान वेतन दिया जाएगा। इसलिए महिलाओं का वेतन कम नहीं हो सकता है क्योंकि वो महिला है और पुरुष पुरुष है। अब इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक, द राइट टू हेल्थ, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। देखिए ख्याल, स्वास्थ्य का ख्याल तो पुरुषों का भी रखा जाना चाहिए, रखा जाता है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। एंड वर्क इन हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे वो जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ वॉशरूम की सुविधा हो, पानी पीने की सुविधा हो, ये सारी कंडीशन, पंखा हो, लाइट हो, ऐसी स्थिति हो जो काम करने योग्य हो, काम करने लायक हो, इन सब कंडीशन का ध्यान रखा जाएगा। द राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक, राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट का माने क्या होता है, मातृत्व से रिलेटेड अधिकार। देखिए महिलाएं, चूंकि महिलाएं ही मां बनती हैं तो एक पूरा 9 महीने का प्रोसीजर होता है। ठीक, फिर छोटा बच्चा चूंकि जब तक होता है तो कुछ दिन तक माँ के ही संरक्षण में रहता है, तो इसलिए महिलाओं को उस नाते कुछ विशेष अधिकार दिए ही गए हैं। तो मैटरनिटी बिलीफ का मतलब है कि मातृत्व के लिए जो फायदे मिल सकते हैं वो फायदे उनको दिए जाएं। ऐसा अब देखिए, अगर आप यही होता है कि अगर आप इक्वल की बात करेंगे, इक्वल इक्वल इक्वल, तो भगवान ने कुछ वो किया हुआ है कि महिलाएं ही बच्चा पैदा कर सकती हैं, पुरुष तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए मैटरनिटी बेनिफिट की बात। हालांकि धीरे धीरे ये कंसेप्ट भी इवॉल्व हो रहा है कि पैटर्निटी बेनिफिट भी मिलना चाहिए, जैसे मातृत्व का सुख प्राप्त होता है वैसे पुरुष भी तो मतलब पिता बनने का सुख प्राप्त करते हैं। पर ये जो लॉ बना है वो फिजिकल कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाया गया है, हो सकता है आने वाले समय में पैटर्निटी बेनिफिट का भी हमें कंसेप्ट देखने को मिले। और एंड राइट टू जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लिंग न्याय, ठीक है, जेंडर यानी लिंग यानी और जस्टिस यानी न्याय। न्याय, न्याय का मतलब है कि वही भेदभाव ना हो, समान हो। ठीक, अब जेंडर में आमतौर पर हम लोग जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझ ही यही रहे हैं कि फीमेल यानी महिलाओं का संरक्षण संविधान के अंदर कहाँ है। लेकिन हम जेंडर की जब बात करते हैं तो उसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर यानी जो तृतीय लिंग होते हैं वो भी, यानी जो LGBTQ कम्युनिटी होती है वो भी उसी में इंक्लूड है। ठीक, L माने लेस्बियन, G माने गे, B माने बाइसेक्सुअल, T माने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये जो LGBTQ कम्युनिटी होती है ये भी जेंडर जस्टिस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक, अगर हम काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करें तो महिलाओं को तब भी कहीं संरक्षण प्राप्त है, तब भी कहीं हद तक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ट्रांसजेंडर को अभी वो पहचान नहीं मिली है जिनके वो हकदार हैं, उनको जो पहचान मिलनी चाहिए। तो जब जेंडर जस्टिस हो यानी जेंडर डिस्कोर्स ना हो तो उनमें सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर भी यानी ट्रांसमैन और ट्रांसवुमेन्स भी शामिल होती हैं, उनके विलिंग का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी ध्यान में रख के सरकार को नियम बनाना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो उपेक्षित नहीं है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, और इसलिए उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन, कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हम भी इसी समाज का, इसी सभ्यता का हिस्सा है, किसी अलग समाज या अलग सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो मेरा ख्याल है इस वीडियो में आपको पूरी ओवरऑल गाथा पूरी समझ में आ गई होगी। जो परीक्षा में आने का एक प्रश्न है जैसे आर्टिकल रख लेना है, और समाज का जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के बीच भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ईश्वर ने सबको समान बना के भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि विविधताएं नहीं है, सब अपनी अपनी जगह विविध भी हैं, अलग भी हैं, लेकिन इक्वल बना के भेजा है। भगवान ने नहीं तय किया है कि कौन ये काम करेगा कौन ये काम नहीं करेगा, किसको यहाँ जाना चाहिए किसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब ईश्वर ने तय नहीं किया है, ये सब समाज की बनाई हुई नीतियाँ हैं। ठीक, तो समाज जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता है वैसे वैसे लॉ को भी, वैसे वैसे पॉलिसी को भी इवॉल्व होना चाहिए, और इसमें योगदान कौन देगा, हम और आप जैसे समाज के लोग ही योगदान देंगे, नई पीढ़ी योगदान देगी चीज़ों को बदलने में। देखिए इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।